अपने ब्लॉग के साथ ही घमू सारण चैनल पर आप सबका वेलकम है। और आज है 29 जुलाई, वार शुक्रवार है और अपना ब्लॉग शुरू हो रहा है शाम को 2 बजे, यानी दोपहर के 2 बजे से आज अपनी रूटीन शुरू हो रही है। और अभी आप सबको गुड इवनिंग, क्योंकि आप इवनिंग में अभी ब्लॉग देख रहे हो तो। और फिर जो है आज की फटाफट जो रूटीन है 2 बजे से लेकर अपनी 4 बजे के बीच रहेगी। कारण भी आपको बताते हैं। कारण ये है कि सुबह दिव्या के पेट दुखने लग गया तो दिव्या के आजू बाजू घूमती रही, बाकी कोई काम हुआ नहीं, बस नाश्ता नाश्ता बनाया, रोटी खाना वगैरह कुछ नहीं। दुकान में कोई कौन नहीं, सुनो दूध और दही थोड़ी जल्दी दो। तो आज की अपनी ये प्यारी सी रूटीन 2 बजे शुरू हो रही है। मैं बस में थी उस टाइम और वापस आते वक्त दूध और दही ला रही थी तो दही मिला नहीं और दूध लेके आ गई हूँ। ये लो तुम्हारे लिए लाई कुछ। ये कहाँ से लाई, असली का है या नकली का? असली लाई कहाँ से? वहाँ रस्ते से हमें लेके ही नहीं गई, आज तो छुट्टी भी नहीं रही। अरे मम्मा आज आप इतने लेट क्यों आई? लेट था, 2 बजे, इससे जल्दी फिर क्या करो? अच्छा। कुछ जाके वापस आ जाओ। हाँ वही, तुम भी अब नहीं आई। कुछ नहीं दिख रहा, रात कैसे हो गई, अंधेरा कैसे हो गया? ये चिप्स नहीं है। तुम लोगों ने घर का क्या हाल कर रखा है? मैं काम कर रही थी और मैं सत्या ने पढ़ाई तो कहाँ से बताना? ये वाला बैगियां तो पढ़ाई इसमें करा सिलाई रस्ते से कहाँ सिलाई रस्ता मतलब। जल्दी होमवर्क कर ले, मैं खाना बनाऊँ फिर यहाँ से सफाई करूँ। तेल खुला कौन छोड़ता है? ना लेकिन मैं से पूछ लो, बहुत अच्छे से पूछता है। देखो दिव्या का नया टॉवल, आप किसी ने देखा? अभी तक तो है ना उस तोड़े हुए फूल को मैं मिट्टी में उगा रहा, वो उगेगा कोई हफ्ते में? क्या कर रहे हो तेजू, बताना जरा। वो देखो उगा रहा हूँ। अच्छा ये देखो कितना पौधा है। अब पानी मत डालना और ज्यादा। अरे थोड़ा सा पानी डालूंगा मैं इसको उगाने के लिए तो। अच्छा उगाने के लिए पानी तो डालते हैं कोई भी। तेरे हाथ पे क्या हो गया तेरे? क्या हो लिखा है लाल लाल से? ये मेरे को, अरे सांप ने काटा है ना, आज हम भैंस की सुई लगाने जा रहे हैं। चार चार दांत कहाँ से आ गए सांप के? चार दांत नहीं है ये, एक दोनों सांप मिलके काटे। अच्छा ये देखो इसका पौधा, देखते हैं। मैं इसको पानी दे रहा हूँ। तो आज पहले तो बनाएंगे हम पुलाव। पुलाव कह भी नहीं सकते क्योंकि सब्जियां ज़्यादा डालेंगे नहीं, लेकिन फिर भी हम डालेंगे सोया बड़ी इसके अंदर, प्याज डालेंगे और बाकी लहसुन वगैरह डाल के बना देंगे पुलाव। पुलाव के साथ सब्जी रोटी भी बनाएंगे। और आकर धोए हैं ये सुबह वाले बर्तन, अभी तो खाना बनाने के बाद और बर्तन हो जाएंगे। और हमारे पास एक कुकर नहीं है जो अभी लाना पड़ेगा, क्योंकि रोज़ रोज़ इसमें बनाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं तो जल और जाता है, नहीं तो कुकर में सीटी लगाई और बस आराम। तो पहले में रख देते हैं ये क्या कहते हैं पुलाव रख देते हैं और उसके बाद कुछ साइड में काम करेंगे, सब्जी की तैयारी करेंगे, तब तक ये इसीलिए मेरे को रोक के मत, क्योंकि डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ द टेनर्स एंड टेनर्स पौधा। तो पुलाव एक साइड पकेंगे, बर्तन एक साइड रख देंगे, सब्जी की तैयारी करेंगे, आटा लगाएंगे, तब तक वो पक ही जाएंगे। और उसके बाद भूख ज्यादा लगी अभी। क्या कर रहे हो? उसको मेरे को धूप में बैठाना है, वरना धूप कैसे? बाद में धूप आ जाएगी ना इस साइड। क्या कर रहा है तू? पानी दे रहा हूँ। पानी ज्यादा मत दे, फिर इसके अंदर ऑक्सीजन ही नहीं होएगा। धूप कैसे आएगी? आ जाएगी सुबह, ऐसे घूमता है ना सन, तो घूमते हुए ऐसे आएगा तब। यहाँ पर आएगी? हाँ यहाँ पर ही है, अभी आएगा थोड़ा आगे, सब ये आ जाएगी इस पे। क्या लगेंगे पता है? सेव लगेंगे। सेव? हाँ। असली में? हाँ। मम्मा ने मेरे को तो यार असली मुश्किल क्या लगेगा? अरे मैं तो हम खाना खाते हैं वैसे पौधे भी खाद और पानी देते हैं। उल्टी पड़ी थी,
जाना था तेरे को स्कूल? हाँ? नहीं मैं खिलाती नहीं, क्या सिखा देगा? तो छोड़ मेरे को काम कर, मतलब फोन खोलना पड़ेगा, छोड़ मेरे को काम कर। दो ऑप्शंस, पहला ये खोल के दे दो, एक ही मैं एक भी नहीं मानने वाली, कर ले ठीक है, मैं यही खोल भाई चला। मैं खाना बना रही हूँ और इनके फ़ोन में कुछ देख के ये फरमाइश लेके आई हैं, लेकिन वो फरमाइश मैंने कर दी है कैंसिल, और फिर भी ये थोड़ी देर कोशिश कर रहे हैं। तो ये तेजू भी कह रहा है कोशिश करने पर जीत ज़रूर मिलती है, फिर भी मैंने हाँ की नहीं तो फिर ये बाहर चले गए हैं फिर से। कल हमें एक पौधा ले जाना है स्कूल, हमारे पास है ना यहाँ। मैं सोया बड़ी की सब्जी बना रही हूँ और तेल को कर रही हूँ ठंडा, क्यों तेज तेल होता है ना ज़्यादा गर्म तो मेरे नाक में चला जाता है तड़का, और मैं ज़्यादातर ऐसे ही लगाती हूँ। और जिसको सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद होती है और सब्जी का ज़्यादा शौकीन होता है ना, वो तड़का उतना ही तेज लगाता है। मेरे घर में भी मैंने देखा है, मम्मी है, भाभी है, ये सारे इतना तेज़ तड़का लगाते हैं, फिर क्या करते हैं, खुद ही खाँसते रहते हैं, छींके मारते रहते हैं, और मेरे जैसों को तो बुरी तरह बीमार कर देते हैं। तो मम्मी को मैं कहती नहीं हूँ, मतलब सब्जी का तड़का लगाने को बोलती नहीं हूँ, मैं कहती हूँ मैं कितने बड़ा काम छोड़ के बीच में तड़का लगा दूँ, लेकिन आप मत लगाओ। तो ये बात है, तो आपने सब्जी बन चुकी है, बना लेते हैं फटाफट रोटियाँ। और आपके मतलब घर पे रोटियाँ कितने बजे बनती है, मतलब कि जो दोपहर का लंच जो है वो कितने बजे बनता है? वैसे तो मैं सुबह ही बना के जाती हूँ, रोज़ ड्यूटी जाती हूँ तब, और संडे को लेट हो जाता है, लेकिन आज सुबह क्या हुआ, दिव्या के थोड़ा पेट दुख रहा था, फिर उसके बीच में मैंने आपको बताया कि फिर काम हुआ नहीं, सब जो है शेड्यूल हो गया उलट पुलट, और शेड्यूल उलट पुलट होने के साथ नाश्ता ही किया तो पेट की स्थिति भी उलट पुलट हो गई, मतलब कि जोरों की भूख लग गई, घर आए तब तक इतनी जोरों की कि दौड़ दौड़ के फटाफट फटाफट काम किया। और जब आप मेरे लंच की थाली देखोगे तब आपको पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा भूख लगी थी, कितनी ज़्यादा। आपको ज़्यादा भूख लगती है तो आप ज़्यादा वैरायटी ऐड करते हैं कि नहीं करते, कि आपकी ऐसी आदत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ज़्यादा भूख लगी होती है तो टाइम भले लग जाए लेकिन कुछ न कुछ न कुछ न कुछ बहुत सारा ले लेते हैं। जब ज़्यादा भूख लगी होती है तो रोटियों को और ज़्यादा पतला बनाते हैं और चुपड़ते भी ज़्यादा हैं, घी ज़्यादा लगाते हैं। कैमरे के सामने तो होती है ऐसी रोटियाँ, और कैमरे के पीछे होती है ऐसी रोटियाँ। बाजरे की चार रोटी के बराबर रोटी बनती है, मुझे पता है क्यों। तो ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो कैमरे के सामने कुछ और दिखाते हैं, कैमरे के पीछे राज कुछ और होता है। तो ऐसी रोटी कौन खा सकता है, ये कम से कम आटा कितना है, दो बाजरे की दो रोटी का आटा है, और ऐसी रोटियाँ भी सचमुच इस दुनिया में बनती है। चलिए वही रोटी चुपड़ देते हैं, दूध तब तक गर्म हो जाए, पास में खड़ी हूँ तब तक तो बच जाएगा, बाहर जाते ही भूल जाऊँगी, कुछ काम ऐसे हैं कि वो भूल ही जाते हैं तो वो रोज़ ही भूल जाते हैं। तो फटाफट रोटी चुपड़ते हैं, तब तक दूध गर्म होते ही नीचे रख के फिर ही बाहर जाके बैठेंगे, और बाहर जाके बैठ गए तो दूध को मौका मिल जाएगा और वो जो है फैल जाएगा और रायता फैला देगा फिर। चलिए हम करते हैं अपनी लंच की थाली तैयार, एक टमाटर काट लिया सलाद के लिए, और इसी के साथ हम ले लेंगे प्याज, क्योंकि प्याज काफ़ी जो है दही की गरज साज देता है। और आप लोगों ने किसी ने कहा था तीन रोटी नहीं रखनी चाहिए, सच में नहीं रखनी चाहिए, मुझे याद नहीं रहा, हमारे गांव में भी नहीं रखते हैं। तो दो रोटी ले ली है, और ये ले लिया है मैंने पुलाव जो कि बनाया था सोया बड़ी डाल के, बहुत प्यारा बना था। नमकीन ले ली है जिसमें सिर्फ तेजस रोटी खाएगा, मतलब हम भी खाएंगे लेकिन वो भी खाएगा। पुलाव ये ले लिया, वो सब्जी थी पहले ली वो, और दो पापड़ ले लिए, चम्मच भी ले लिए हैं। तो अब चलते हैं और खाना खाते हैं, खाना तैयार है तो आप भी ले लीजिए, और दूध को काफी मेहनत करके थाली तैयार करती हूँ तो उसका मुझे और दिव्या को तो फायदा हो जाता, लेकिन तेजस ऐसा है कि वो अपनी मर्जी पर है, कुछ वही खाएगा जो उसको भाएगा। खाने में भले वैरायटी हो या ना हो, भले सूखी रोटी हो, स्वाद जब ही देता है जब किसी के साथ बैठ के खाओ। हम भी घर में जब कुछ स्पेशल कभी भी बनाते हैं ना तो क्या करते हैं, आस पड़ोस में कहीं पहुंचा के आते हैं कि हमने ये बनाया, या अगर हम बाहर कुछ खाने जाते हैं कुछ खास तो मतलब किसी न किसी के साथ जाते हैं, अकेले जाके ठूस के नहीं आते। तो मतलब गए थे हम तीन नहीं गए थे, किसी को लेके नहीं गए थे, हम तीन हो गए ना फिर वाह, बस अकेला नहीं होना चाहिए, एक मम्मा ही। और वैसे भी रेस्टोरेंट के और कैफे के खाने महंगे होते हैं, वहाँ दो तीन बहुत है,
वैसे भी कोई पकड़ पकड़ के दूसरों को थोड़ी ले जाएंगे, या तो अपने को लेके जाएंगे या कोई दोस्त है बेस्ट फ्रेंड है उनको लेके जाएंगे। ये बहुत ज्यादा अच्छे हैं, गोबट्टे सबसे गंदे लगते हैं। एक बार थोड़ा सा ले ले, मेरी सिर की नस फट जाएगी अगर आपने ये मेरे को खिला दिया तो। एक बाइट अगर गंदा है, एक बाइट खाए इसमें प्यार, एक बाइट के चक्कर में इसके अंदर प्यार नहीं भर। इतना खा खा तो बहुत घी डाला मैंने टेस्ट करवाने के लिए। अपने बच्चे को इतना दुख क्यों लेके जस्ट, अगर तेरे को गंदा लगे तो बार थूक क्या जाना। एक बार लाइट ने सोचा भाई हमें मनवा तो घी नहीं खाना खाने के लिए, चली गई क्या, अब खा लो खाना। एक साथ रखूंगा, दो साथ कोई मानेगा नहीं, और वो तो तुम दोनों को ही बताए। एक बार ले ले, एक टुकड़ी बनने में कुछ है नहीं, एक बार ले तो ना। उस दिन रोटियां खत्म हो गई थी, मम्मा के लिए बसा के रखी थी हमने, है ना, मेरे को तो खानी थी। तब भी दीदी ने कहा कि मम्मा के लिए बसानी है, इसीलिए रुक गए थे, वरना पूरी खत्म हो जाती उस दिन। इतना मजबूर मत करो कि मैं एक्शन लेने पर उतर जाऊँ, इतना मजबूर मत करो कि मैं पुलिस थाने चले जाऊँ, वो भी सदर पुलिस थाने। तेरे को सब पता है इतना नालिस। आओ बैठो, रोटी जी मो और जिमुड़िया थोड़ी जिम लो, दो मुरिया ले लो। चलो जी दोस्तों, खाना हो गया और खाने के बाद अब सफाई करते हैं ताकि कोई भी बर्तन और कुछ भी बचे नहीं पीछे। और सबसे पहले रसोई को साफ कर देते हैं, बर्तन मैंने धो के ऊपर रख दिए हैं, उसके बाद रसोई का पोछा लगा रही हूँ। और दूध भी पड़ा है जो कि अभी जमाना पड़ा है इधर कोने में, और बर्तन तो मैंने अंदर डाले थे, धो अब रही हूँ। सफाई करनी होती है ना जब इसके स्लैब की, तो अपन इसमें डाल देते हैं छोटे छोटे सारे भर देते हैं, तो अचानक तो किसी को गंदगी दिखेगी नहीं। और मैं देख यूँ रही हूँ कि वीडियो से लाइट सही आ रही है का, वीडियो साफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इस चक्कर में हम देखते जाते हैं वीडियो के सामने कई बार, और फिर अंदर से काटना भी पड़ता है, कई बार काटते हैं कई बार नहीं काटते। दिव्या थोड़ी सी हेल्प करवाने आ गई है, रोटियां ढक्कन लगा रही है, दूध पे ढक्कन लगाया और थोड़ी सी हेल्प करके, और फिर वो वापस खेलने चले गए हैं। तो रसोई तो हो गई है कम्प्लीट, अब बाहर की सफाई रही है, जिसमें ये थैले हैं ना जहाँ काम करते हैं वहीं डाल देते हैं, और इतने भारी हैं, और इनका अभी खेलना अभी शुरू हुआ है, ये पता नहीं बीच में कितने परेशान करेंगे। झाड़ू जैसे निकालने शुरू करेंगे ना, इनका आना जाना इतना जल्दी शुरू होगा, जैसे कि उस नीचे कचरा होता है ना झाड़ू वाला, वो पैरों के चिपका के इधर उधर फैलाने के लिए आ रहे हो जैसे। मतलब आपके घर में भी कोई ऐसा मेंबर होगा जैसे आप झाड़ू निकालने लगते हैं ना तो पैरों के चिपका चिपका के बाकी फैलाते जाते हैं, वापस ले जाते रहते हैं। हमारे तेजस इस काम में बहुत एक्सपर्ट है, बस आपको चाहिए तो आप ले जा सकते हैं, एक दो दिन के लिए हम उधार दे देंगे ऐसा बच्चा जो कि आपके झाड़ू को वापस ले जाके फर्श के चिपका सके। तो झाड़ू निकाल लिया है, यहाँ कपड़े से समेटे हुए वो समेट दिए, ये एक कपड़ा जो कि रसोई का है और झाड़ू निकाला का है, मतलब बीच में ही होता रहता है। और झाड़ू तो अभी हॉल का मतलब उस कमरे का भी पड़ा है, इस कमरे का भी पड़ा है, बाहर का रसोई का सारा ही पड़ा है। झाड़ू निकालते बीच में ये बच्चे इतने डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक बार इधर आ रहे हैं, एक बार उधर जा रहे हैं, एक बार कहीं जा रहे हैं। लेकिन मैंने बोला स्लैब लैब कुछ साफ कर दो कि नहीं, हम खेलने में लगे हुए हैं, हमें टाइम ही नहीं है, हम बिजी है। वाह, इनके जवाब का भी जवाब नहीं, अब रसोई में खेल रहे हैं। जब मैंने कहा ऊपर से मत आया करो तो रसोई में जाके खड़े हो गए हैं, और कचरा भी काफ़ी है इनका, कागजन वागजन कुछ न, बाकी जूते जो है अंदर ला के रखते हैं तो उनकी भी मिट्टी आ जाती, बाहर इसलिए नहीं रखते कि बारिश आती रहती है, जगह ही नहीं है कहीं पे। और बाहर की मिट्टी ले ली है, अब फटाफट से पोछे लगाने के बाद, क्योंकि टाइम हो रहा है, मैंने कहा था 2 बजे से लेकर 4 बजे तक मैं पूरी रूटीन, ये है ना नागिन डांस कर रहा था इससे सुपड़ी से, देखो इसके लक्षण, अब अपने पौधे को संभाल रहा है वहाँ जाके, और पौधे को उखाड़ के ले आए, इसको टाइम इससे मतलब रहा ही नहीं गया है। और अब पोछे हमने लगा दिए और टाइम जो है पोछा मैंने उठाया तब तक 4 बज चुकी थी, तो मैं सोच रही थी फटाफट करके वीडियो शुरू करूं, और अगर आज वीडियो लेट आ रहा है तो इसका मतलब 4 से ऊपर ही हो गया, पोछा लिए खड़ी हूं मैं तो 4 बजे, इसके बाद थोड़ा बहुत और मतलब वीडियो एडिट करने में कितना टाइम लगता है। तो मेरा जो टारगेट था ना 2 बजे से 4 बजे के बीच का काम तो लगभग पूरा हो ही गया है, लगभग 1-2-5 मिनट ऊपर हुई होगी। लेकिन फिर बैठ कर बैठते हैं वीडियो तैयार करने के लिए, एडिट करने के लिए, तो उसमें थोड़ा बहुत गंदगी भरा खिड़की, गंदगी चीजें रखते हैं जैसे डस्ट वाला है, जैसे गीला पोछा है, सूखा कचरा है, ये गंदा वाला टब है, तो ये हमारे है
तो अब क्या बाकी रहा है, आप सोच रहे होंगे 4 बजे पोछा हाथ में लिया तो पोछा लगाते 5 मिनट लगती है, तो उसके बाद थोड़ा सा व्यू दिखा देते हैं कि इतना ऐसा साफ हो गया, फिर ऐसा दिखता है। और इसके बाद जो है थोड़ा जो है गर्मी पड़ रही है तो उसका भी थोड़ा इलाज करते हैं, फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों काफी दिनों के बाद आज बार तेज धूप निकली है, थोड़ी गर्मी भी लग रही है, तो थोड़ा कुछ ठंडा हो जाए और आप भी लीजिए, जिसको देना ही पड़ेगा। तो चलो भाई चटाई बिछा दी यहाँ पर, और यहाँ बैठ के मैं अपना वीडियो करूंगी एडिट। बच्चों को खेलना होगा तो चटाई पे खेल लेंगे, कूद के खेलेंगे तो कूद के खेल लेंगे, भाग के खेलेंगे तो भाग के खेलेंगे। वैसे उस तरह नहीं खेलते हैं जैसे अपने घर में खेलते थे, यहाँ पर लोग टोक देते हैं, टोक के रुला भी देते हैं, मुंह भी तोड़ लेते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।